गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। यह जो भारत का भौतिक स्वरूप है, यह नाइन्थ के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है और इसमें हम लोग पहले पार्ट, ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट में हम लोग पढ़े थे भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में। और हम आपको बताए थे कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला से ढका हुआ है, जिसमें से जो नेपाल है और वो भूटान है उसमें पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है और दुनिया के 10 सबसे बड़े बड़े पहाड़ हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही मौजूद है। और इसे पढ़ने के लिए हमने इसे चार भागों में बांटा था, जिसमें से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग था जिसके विषय में विस्तार से समझे थे। आज हम लोग जस्ट इसके दक्षिण वाले भाग को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग उत्तरी मैदान कहते हैं। तो भारत का जो दूसरा भौतिक स्वरूप है वह है उत्तरी मैदान। मुख्य रूप से चार है, लेकिन जब विस्तार से पढ़ते हैं तो छः भौतिक स्वरूप हो जाता है, जो हम पार्ट वन में आपको बता चुके हैं। देखिए, उत्तरी मैदान की अगर बात करें तो उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो मुख्य रूप से हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगर आप दिशा की बात करें तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्शन लिख देते हैं, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, उत्तर दक्षिण, इस और आपका ईस्ट होता यानी पूरब, और इस और होता वेस्ट यानी कि पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इस तरह हम लोग देख लिए। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला बिल्कुल उत्तर में है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के जस्ट दक्षिण में आइएगा तो आपको मिलेगा उत्तरी मैदान। इसलिए कहता है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में 7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्रफल को ही हम क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं। मैदान कहने का मतलब ये बिल्कुल प्लेन वाला भाग है। अगर कभी भी आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के क्षेत्र में घूमने के लिए जाइएगा तो आपको वहाँ पर सड़कें बिल्कुल प्लेन मिलेगा। कारण यह है कि ये बिल्कुल ही प्लेन वाला क्षेत्र है, यानी कि मैदानी भाग है, और चूंकि ये भारत के उत्तर में अवस्थित है इसीलिए हम इसे उत्तरी मैदान कहते हैं। अब इसका दो चीज़ हमें समझना होगा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसे हम मैदान क्यों कहते हैं और ये क्या किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग समझ जाएंगे तो उत्तरी मैदान को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले इसका एरिया की अगर बात करें तो देखिए, ये इसका पूरा एरिया जो है वो कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, जिसमें से अगर आप पश्चिम की ओर आइएगा तो पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है। ये है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई अधिक है। पश्चिम की ओर अगर चौड़ाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है लगभग में। उसी प्रकार से अगर आप पूरब की ओर जाइएगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे घटती चली जाती है और यहाँ पर लगभग में आपको जो हाईएस्ट मिलेगा 240 किलोमीटर की चौड़ाई देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो पश्चिम का एरिया है वो ज़्यादा चौड़ा है और जो पूर्व का एरिया है वो कम चौड़ा है। अगर इसके लंबाई की बात कीजिएगा तो लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के समान है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी जो क्षेत्र है, लंबाई है, वो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ था और हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वह भी 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हमने देख लिया क्षेत्रफल अगर की अगर बात करें तो इस टोटल का अगर आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस हिमालय ये जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, इसका निर्माण मुख्य रूप से तीन नदी द्रोणी से हुआ है। नदी द्रोणी का मतलब होता है, या नदी तंत्र कहते हैं, ओके, नदी तंत्र से बना है। नदी तंत्र का मतलब एक मुख्य नदी और उसमें मिलने वाले सभी सहायक नदी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी निकलते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में प्रवेश करने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग चल जाता है बांग्लादेश में और एक पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये नदी मिलती है और यहाँ पर एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, आगे हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये क्या, ये मुख्य नदी है और इसमें अलग अलग जो नदियाँ हैं वो आकर के मिल जाती है, जैसे कि यमुना नदी इसी में मिलती है, कोसी, गंडक, ये सारी नदियाँ इसमें आकर के मिलती है। तो वो सारी नदियाँ क्या हो गई, सहायक नदियाँ, और ये जो नदी का क्षेत्र है इसे हम नदी तंत्र कहते हैं। उत्तरी मैदान के निर्माण की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तीन नदियां सबसे महत्वपूर्ण है। पहली जो नदी है वो सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी प्रणाली है, दूसरी जो है गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी प्रणाली है, और तीसरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। ये नदियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसकी सहायक नदियाँ हैं, वो जब सब मिल जाती है तो उस पूरे एरिया में उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर से होते हुए जो नदी है वो पाकिस्तान में चल जाती है। इस नदी को हम कहते हैं सिंधु नदी। इस नदी का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है, इसलिए इस क्षेत्र में जो आपको उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा वो ज़्यादातर किधर है, पाकिस्तान में।
दूसरा जो नदी है वो गंगा नदी है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार झारखंड में आते हुए ये इस ओर बहती है। इस नदी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी सहायक नदियाँ जो है वो मिल करके इस क्षेत्र में जल की भरपूरता उपलब्ध कराती है और इस तरह से ये उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद फिर आगे चल के वो बांग्लादेश में चली जाती है और इस प्रकार से ये तीसरी नदी है जो क्या करती है, उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। इन तीनों नदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम कहते हैं कि जो उत्तरी मैदान है उसमें कौन कौन से नदी बहती है, तीन प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर आप इनकी सहायक नदियों का समझ लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इसे समझ लेते हैं। आइए सबको एक बेहतर तरीके से मिटाते हैं, साफ करते हैं और हम दो चीज़ समझाते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आखिरकार इस उत्तरी मैदान का निर्माण क्या कैसे हुआ है और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले हिमालय के नीचे जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यानी कि अब हम लोग समझेंगे उत्तरी मैदान के निर्माण के विषय में। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो उसके बीच का, उसके जो दक्षिण का हिस्सा था वहाँ पर एक बहुत ही बड़े बेसिन का निर्माण हो गया था जिसे हम भौगोलिक भाषा में द्रोणी कहते हैं। तो ये आखिरकार द्रोणी हम लिख देते हैं, यहाँ पर गलत लिखा गया द्रोणी, जिसे हम द्रोणी कहते हैं। अब इस बेसिन्स को आसान भाषा में समझिए, हम लोग के घर में एक हाथ धोने के लिए बेसिन्स होता है, ठीक है ना, नल चालू करके बेसिन्स बनाते हैं। तो बेसिन एक तरह का गड्ढा जैसा क्षेत्र रहता है, उसमें पानी भर सकता है। तो यहाँ पर भी पानी भर सकता था, एक तरह से समझिए कि तालाब जैसा एक बड़ा सा क्षेत्र जो हिमालय के नीचे बना हुआ था। और हिमालय के गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब होता है नीचे वाला क्षेत्र। देखिए किसी भी पर्वत का दो भाग होता है, एक भाग को हम ऊपर वाला जो भाग है हम उसे चोटी कहते हैं और दूसरा जो भाग है नीचे वाला भाग होता है हम उसे गिरिपाद कहते हैं। दरअसल में गिरी का मतलब ही होता है पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची शब्द गिरी होता है और गिरिपाद का मतलब होता है पर्वत का नीचे वाला भाग। तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये बेसिन बना हुआ है और हिमालय से जब बहुत सारी नदियाँ निकली तो अपने साथ अवसाद लेकर आई और वो अवसाद धीरे धीरे इस बेसिन में जमा हो गया, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था और इस गड्ढे में जब जमा हो गया, इसमें अवसाद जब भर गए तो इस अवसाद के चलते ये एक बहुत बड़े जलोढ़ और उपजाऊ मृदा का क्षेत्र बना दिया और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान का क्षेत्र कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद जब हिमालय के दक्षिण में बेसिन का निर्माण हो गया तो उस बेसिन में हिमालय पर्वत के नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से वो बेसिन भर गया और उस बेसिन में उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। अब उत्तरी मैदान में की जो है कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, वो तीन मुख्य विशेषताएं हैं। आइए वो तीन मुख्य विशेषताओं को बतलाते हैं। अब आइए समझते हैं कि उत्तरी मैदान में जो मृदा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए उत्तरी मैदान में जो मृदा है उसकी तीन मुख्य विशेषताएं हम लिख सकते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाया जाता है। सर्वाधिक जलोढ़ मृदा कहने का मतलब है कि इस विस्तृत क्षेत्र में केवल और केवल आपको जलोढ़ मृदा मिलता है। अब जलोढ़ मृदा की दो सबसे प्रमुख विशेषता है, पहला कि वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है और साथ ही साथ इसमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, यानी कि इसमें नमी हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहता है। इन दो विशेषताओं के चलते यहाँ पर कृषि का अत्यधिक उत्पादन होता है, क्योंकि जहाँ पर आपको नमी मिलेगा और मृदा सबसे बेहतर मिलेगा वहाँ पर कृषि सबसे बेहतर होता है, इसीलिए यहाँ पर कृषि का सर्वाधिक क्षेत्र होता है। अगर भारत में सबसे अधिक कहीं कृषि होता है तो वो इसी क्षेत्र में होता है, भारत के जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र यानी कि उत्तरी मैदान में होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इस उत्तरी मैदान में सर्वाधिक खेती होती है, अच्छी मृदा है और पानी में नमी भी बनाया हुआ रहता है, यानी कि पानी का सबसे बेस्ट स्रोत है, इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक लोग रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या का मतलब होता है कि जब किसी छोटे से क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है तो उस क्षेत्र को हम सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। भारत के इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन क्षेत्रों में बहुत ही अधिक जनसंख्या मौजूद है। साथ ही साथ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से जलोढ़ मृदा यानी कि उत्तरी मैदान की जो मृदा है वो बेस्ट मानी जाती है। अब इस पूरे उत्तरी मैदान को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, आइए उन तीन भाग का अध्ययन करते हैं। अब आइए समझते हैं कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है वो तीन नदी तंत्र से बना है और उन तीन नदी तंत्र के जो क्षेत्र है उसके आधार पर हम इसे तीन उपवर्ग में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र होगा हम उसे बोलेंगे पंजाब का मैदान कहेंगे और ये सिंधु का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम पंजाब का मैदान कहते हैं, मतलब पंजाब का उत्तरी मैदान हो गया।
दूसरा है गंगा का मैदान, जो गंगा नदी तंत्र से मिलकर के जो क्षेत्र बना है हम उसे गंगा का मैदान कहते हैं, और तीसरा जो है उसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर के बना है। अब आइए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं और इसकी क्या गुण है और कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र आता है और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं इसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं पंजाब के मैदान के विषय में। अगर आप भारत के मानचित्र को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह सिंधु नदी तंत्र निकलती है जो हिमालय से निकलती हुई आती है। सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है और वहाँ से वो सीधे जाकर के जम्मू कश्मीर से प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर राज्य से ही वो क्या करती है, निकल जाती है। लेकिन याद रखिए इसमें अलग अलग जो है बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के इसमें मिलती है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी अलग अलग जो नदियाँ हैं वो इसमें आकर के मिलती है और इससे जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं पंजाब का मैदान। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप गौर से देखें तो सिंधु नदी का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और अपने भारत में बहुत ही कम क्षेत्र मौजूद है, इसलिए पंजाब का जो मैदान है उसका सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है, भारत में नहीं है। तो पंजाब का मैदान हम लोग समझ गए। अगर यहाँ से एक लकीर खींच दिया जाए तो इसके इधर वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे, पंजाब का मैदान कहेंगे। इसमें मुख्य रूप से सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ आती है। अगर आपसे पूछेगा कि पंजाब का मैदान किसे कहते हैं तो बोलेगा उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर के बनती है उस क्षेत्र को हम पंजाब का मैदान कहते हैं। इस पूरे मैप में इस दिशा को पूरब कहेंगे और इस दिशा को पश्चिम कहेंगे और जो पंजाब का मैदान है वो पश्चिमी दिशा में, इसीलिए हम बोलेंगे कि उत्तरी मैदान, ये वाला उत्तरी मैदान है हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बना गया क्षेत्र क्या कहलाएगा, पंजाब का मैदान कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस पंजाब के मैदान में बहुत सारे दोआब है। अब हमारे सामने सवाल आता है कि आखिरकार दोआब क्या होता है। देखिए दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो का मतलब हम लोग समझते हैं दो होता है, दो वाला नंबर एक दो, और आब का मतलब होता है पानी, और इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर यह सिंधु नदी है, सिंधु नदी में क्या करता है, यहाँ से झेलम नदी निकलती है, इसके बाद यहाँ पर रावी नदी निकलती है, इसके बाद सतलज नदी निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि इन दो नदियों के बीच में जो ये वाला गैप दिख रहा है, ये जो स्थान दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। यानी कि जब दो नदियाँ आती है, मान लीजिए कि ये सिंधु नदी है और ये मेरा जो है वो झेलम है, ठीक है, झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो इस सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है हम उसे क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो दोआब क्या है, दो नदियों के बीच जो भूमि है या क्षेत्र है हम उसे क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। इसी प्रकार से पंजाब जो है पांच नदियों से बना है, पंजाब में पांच नदी बहती है और इसीलिए पंजाब को पंजाब कहते हैं। तो पंजाब में क्या हो गया, पहले हो गया पांच और प्लस क्या हो गया, आब, मतलब पांच आब है इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, पंजाब। ओके, तो हमने समझ लिया कि जो पंजाब का मैदान है उसमें दो आब की संख्या सबसे अधिक है। अब आइए हम लोग समझते हैं गंगा का मैदान और दूसरा जो है उसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत बात ही सिंपल सा है, जिस तरह से सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था हम उसे पंजाब का मैदान कहते थे, उसी प्रकार से गंगा नदी का जो आसपास क्षेत्र है, जो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर के बनी है, हम उसे क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान कहते हैं। मुख्य रूप से जो घघरा नदी है या फिर घग्गर नदी है और जो तीस्ता नदी है, उन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम गंगा का मैदान कहते हैं। यहाँ पर से जो नदी निकलेगी और यहाँ पर जो सिक्किम के आसपास है, सिक्किम मेरा यहाँ पर हो जाएगा, सिक्किम के आसपास जो बांग्लादेश में जाके प्रवेश कर जाती है वो है तीस्ता नदी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, गंगा का मैदान कहेंगे। तो इस प्रकार से पहला पंजाब का मैदान था जो सिंधु नदी तंत्र से मिलकर के बना था और दूसरा जो है वो कौन सा है, गंगा का मैदान है जो मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बना है, जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद दो भागों में टूट जाती है, एक बन जाती है हुगली जिस पे हावड़ा ब्रिज है और दूसरा चल जाती है बांग्लादेश में। तो ये जो क्षेत्र हो गया ये क्या हो गया, गंगा नदी का क्षेत्र हो गया। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें कोसी, गंडक, घघरा, यमुना,
ये सारी नदियां आकर के इसमें मिल जाती है। नदियों के विषय में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, चैप्टर 3 में केवल नदी के विषय में ही पढ़ना है, तो इसमें सारे नदी के विषय में डिटेल से पढ़ाएंगे और उसकी सहायक नदी कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कौन से राज्य में बहती है और वो कितना गहरा है, कितना लंबा है और वो किस तरह से काम करती है और कौन सी नदियाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और भारत में कौन सी नदी में डॉल्फिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये सारे सवाल हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से बना क्षेत्र क्या कहलाएगा, गंगा का मैदान कहलाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे असम के क्षेत्र में, असम में अरुणाचल प्रदेश से आते हुए एक नदी आती है जो मुख्य रूप से तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकल करके वो अरुणाचल प्रदेश में यू बना करके प्रवेश करती है और असम से होते हुए वे फिर से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम के क्षेत्र में एक मैदानी भाग का निर्माण करता है जिस मैदानी भाग को हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो इस तरह से हमने गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी समझ लिए। इन दोनों ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, लेकिन इसमें जो मिट्टी का कण है उसका आकृति अलग अलग होता है। कहीं जलोढ़ मृदा जो है ज़्यादा महीन है, कहीं पर उसकी जो है कंकड़ अधिक है, कहीं दलदल है तो कहीं पर वो सूखा है। इसके आधार पर हम इसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, भागर, बाबर, तराई और बांगर। तो आइए उनको भी पढ़ लेते हैं ताकि इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए इससे पहले जो पढ़े थे वो क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर था। ओके, क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर जो उत्तरी मैदान है उसे 3 भागों में बांटा गया था। सिंधु का पंजाब का मैदान जो सिंधु नदी क्षेत्र के किनारे सिंधु नदी तंत्र के आसपास था, दूसरा था गंगा का मैदान जो गंगा नदी तंत्र के आसपास था और तीसरा था ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एवं उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बना हुआ था। अब हम लोग देखते हैं आकृतिक भिन्नता के आधार पर, यानी कि यहाँ पर जो आसपास मृदा है उसकी आकृति कैसा है, इसके आधार पर हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला बोलेंगे भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। हमने इसे एक साथ लिखा। अब इसके विषय में थोड़ी सी आप जानकारी रखिए ताकि आगे जब हम आपको बताएंगे तब इसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जो भाबर है वो बहुत ज़्यादा पथरीला, उसमें पत्थर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही आप तराई क्षेत्र में आइएगा तो ये दलदली क्षेत्र बन जाएगा। अब तराई से जैसे ही आप आगे भागेगा तो ये भांगर बन जाएगा, यानी कि इसमें कंकड़ की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगा। जस्ट उसके आगे आइएगा खादर, इसमें बहुत ज़्यादा महीन कण देखने को मिलेगा। तो इसमें ये जो चारों दिख रहा है इसमें ये मुख्य अंतर है। सबसे पहला जो पथरीला क्षेत्र है, उसके बाद है दलदली क्षेत्र, उसके बाद कंकड़ है और आगे महीन कण है। अब आइए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको भाबर और दूसरे नंबर पर तराई को बताता हूँ। अब आइए सबसे पहले इन दोनों में अंतर देखते हैं कि भाबर और तराई में क्या अंतर है, इसके बाद हम लोग खादर और बांगर में अंतर देख लेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ सके। देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ बहुत ही बड़े बड़े हिमालय है, ठीक है, ये वाला हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ है और इन पहाड़ों से क्या करती है सरिताएं निकलती है। सरिताएं का मतलब नदी होता है, पानी होता है, ओके, नदी कह सकते हैं, नदी निकलती है जिसमें कुछ बड़ी नदियां होती है और कुछ छोटी नदियां होती है और छोटी नदियां भी बाद में जाकर के बड़ी नदियों में मिल जाती है और उन्हें ही हम क्या कहते हैं सहायक नदियां कहते हैं। ओके, तो ये जो नदियां हैं पहले जब पहाढ़ से निकलती है तो पहाड़ जो चूंकि ये ढाल वाला क्षेत्र होता है और इसमें जब पानी बहता है तो बहुत ही स्पीड से बहता है, धीरे नहीं बहता, बहुत ही स्पीड से बहता है। इतना स्पीड से बहता है कि इसके क्षेत्र में आने वाला जो भी चीज़ होता है पहाड़ में पत्थर रहता है, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, कंकड़ रहते हैं, उन सबको वो क्या करता है बहा देता है। इसीलिए कहता है कि जब हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ बहुत तेज होती है और वो गुट्टिका का निक्षेप करती है। गुट्टिका का आप समझिए कि एक जो बड़े बड़े पत्थर ले आते हैं और ये पत्थर यहाँ पर शिवालिक में ला करके छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पानी का बहाव धीमा हो जाता है और फिर वो उसे आगे नहीं बहा पाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में नदी आने के बाद विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब होता है गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पत्थर होता है पत्थर के ऊपर से पानी नहीं बहता, पत्थर के नीचे से पानी बहता है। इसीलिए आप ऊपर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा लेकिन पानी जो है वो कलकल करती हुई बहती रहती है। इसका क्षेत्र आपको जानकर रहना होगा 8 से 16 किलोमीटर का एरिया ऐसा रहता है जहाँ पर पानी ऐसे ही कलकल करती हुई बहती है, यानी कि नदी आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर से आपको दिखाई देगा। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाबर कहते हैं। और भाबर से जस्ट आगे निकलने के बाद चूंकि पानी का बहाव अब धीमा हो चुका है इसीलिए यह कंकड़ को छोड़ देगी और उसके बाद वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे निकलता है आगे निकलने के बाद पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जिन क्षेत्रों में जाता है वहाँ पर पानी मात्रा बढ़ जाता है और वहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देता है जिस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं तराई कहते हैं। यानी कि जो प्रारंभिक भाग है वो क्या है हमारा, वो है भाबर और उसके बाद का जो भाग है हम उसे क्या कहते हैं तराई कहते हैं, जो आगे चल जाता है उसे हम क्या बोलेंगे तराई कहेंगे। तो इस तरह से ये भाबर है और दूसरा क्या है तराई। अब एक चीज़ को आप समझिए, यहाँ पर बोला जाता है कि इस क्षेत्र में सरिताएं विलुप्त हो जाती है
इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा वनस्पति देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आगे आता है, चूँकि कंकड़ वाला क्षेत्र है, आगे आने के बाद एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है, चूँकि उतना ज़्यादा दलदल नहीं होता है, लेकिन फिर भी पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत तेज़ मिलती है। यहाँ पर वनस्पति साथ ही साथ जंगल मिलेंगे और यहाँ पर वन में रहने वाले जानवर भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि तराई के क्षेत्र में इतने ज़्यादा जंगल थे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के थे, लेकिन भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग शरणार्थी भारत आए थे, तो उनको रहने के लिए जगह दिया गया और उनको खेती करने के लिए जगह दिया गया, खेत दिया गया, इसीलिए इस तराई क्षेत्र में जितने भी जंगल थे उनको काट दिया गया, साफ़ कर दिया गया और उस क्षेत्र को खेती के लिए उन्हें दे दिया गया। इसीलिए इस क्षेत्र में बहुत सारे जंगल क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मेनली दो ही अंतर है, मुख्य अंतर है कि ये कंकड़ वाला क्षेत्र है जहाँ पर सरिताएं गायब हो जाती है और उसके बाद सरिताएं मतलब नदी बाद में जहाँ निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भांगर और खादर में क्या अंतर है। ये भाबर था, भाबर, अभी हम लोग पढ़ेंगे भांगर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इन दो जो क्षेत्र है इनके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। पहला जो है भांगर है और दूसरा जो है खादर है। मैंने इसे यहाँ पर इन सब चीज़ को लिख दिया ताकि इसे बेहतर तरीके से समझा जा सके। आइए पहले इसे समझते हैं। अभी तक हम लोग देख चुके थे कि जो नदियाँ थी वो पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके शिवालिक की घाटियों की ओर बढ़ चुका था, लेकिन इसके आगे भी बढ़ने के बाद जो नदियाँ हैं पूर्ण रूप से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और मैदानी क्षेत्र में चूँकि यहाँ पर ढाल होता नहीं है इसलिए नदियाँ जो है वो धीरे धीरे कलकल करती हुई बहती है, बहुत ही धीमी गति से नदियाँ आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी बहाव तेज होता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। क्योंकि अब ये इस क्षेत्र में आ चुकी है इसलिए बहाव इसका धीमा होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की मृदा को आगे नहीं बहा पाएगा, लेकिन वो अपने साथ जो मिट्टी को काट के लाया, जो निक्षेप को बना के लाया, वो उसे आगे जरूर फैलाएगा। इसीलिए नदियाँ, आप मान लीजिए कि ये नदी है, ये चौड़ी नदी है, ओके ना, अब ये चौड़ी नदी क्या करेगी, या तो ये धीरे धीरे बहती रहेगी या इसमें जल बढ़ने के बाद ये और ज़्यादा फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आता है तो नदी जो है अपने दोनों तरफ क्या कर जाती है, फैल जाती है, और उस क्रम में अपने जो भी मिट्टी को बहा करके लाया था उसे क्या करता है, दोनों ओर फैला देता है। और इसी यही अंतर है भांगर और खादर में। अब इसे समझिए, जो नदी के सबसे पास में था वहाँ पर जो है मिट्टी जल्दी पहुँच गया, और वहाँ पर जो ये जलोढ़ मृदा है, ओके ना, वहाँ पर मिट्टी क्या हो गया, जल्दी पहुँच गया। लेकिन जो नदी के दूर में था या फिर ऊंचे स्थान में था वहाँ पर नदी का जो लाया गया मिट्टी है वो नहीं पहुँचा। तो जो नहीं पहुँचा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और जहाँ तक मिट्टी पहुँच गया उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। अब इसमें दो बहुत ही अंतर आसानी से आप लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर मिट्टी पहुँच जाएगा क्योंकि बाढ़ आएगा तो यहाँ पर मिट्टी पहुँच जाएगा, ये ढाल वाला क्षेत्र है, लेकिन इसके बाद जो है ऊंचा वाला क्षेत्र है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए ये जो क्षेत्र है जहाँ पर खादर वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी बार बार नया आ जाएगा, जबकि जो भांगर वाला क्षेत्र है वहाँ पर बार बार मिट्टी नया नहीं आएगा। अब एक और चीज़ समझिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार नया मिट्टी आ रहा है इसलिए इस नए मिट्टी में महीन कण अधिक होंगे और ये पुराने वाले क्षेत्र में महीन कण की संख्या कम होगी और कंकड़ की संख्या अधिक होगी। इस यहाँ पर चूनेदार निक्षेप पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। आप इस तरह से समझिए, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है नदी के किनारे वाला क्षेत्र, यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं, ये मान लीजिए नदी है और ये नदी के किनारे वाला क्षेत्र है, तो नदी के किनारे वाले क्षेत्र में मिट्टी नया रहता है और ये क्या होता है, इसमें नमी ज़्यादा होती है, ये अधिक उपजाऊ होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। जबकि इससे इसके जो दूर है, जो क्या है, अधिक दूर में है, जिसके चलते वहाँ पर नया मृदा नहीं पहुँच पाया इसलिए वहाँ पर कंकड़ पाया जाता है, चूनेदार निक्षेप पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ पाया कहा जाता है। और चूंकि कंकड़ की मात्रा अधिक होने के कारण उस क्षेत्र में आपको कम नमी देखने को मिलता है, क्योंकि कंकड़ नमी को नहीं बनाए रखता है, नमी को सोख लेता है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र में उपजाऊ क्या होगा, कम होगा, और जिस क्षेत्र में उपजाऊ कम होगा उस क्षेत्र में लोग भी क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो ये क्या है, मुख्य अंतर है भांगर और दूसरा क्या है, खादर। खादर को आप इस तरह समझिए, खाद वाला मिट्टी क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है इसलिए इसे बोलते हैं खादर। खादर मतलब इसमें खाद ज़्यादा है तो उपजाऊ ज़्यादा होगा, खाद इसमें ज़्यादा नहीं, केवल ट्रिक के लिए आपको बता रहे, ठीक है ना। तो खादर वाला क्षेत्र क्या है, अधिक उपजाऊ होता है, महीन कण होता है और इसमें कंकड़ की मात्रा कम होता है, और ये बाढ़ तो हर साल आ जाता है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो मिट्टी है हर साल प्रत्येक साल ये क्या हो जाता है, नया हो जाता है, फिर पुराना हुआ फिर नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी तो यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन कभी कभी बाढ़ बहुत अधिक आ जाता है पानी, तो यह क्या करता है, यहाँ तक भी पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नया मिट्टी नहीं होता है,
कभी कभी ये नया होता है, लेकिन ये वाला क्या होता है, प्रत्येक साल नया हो जाता है। इसलिए आप जो खादर मिट्टी है उसको बोलिएगा नई जलोढ़ मृदा है, और जो भांगर है उसे क्या बोलिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो ये इसमें कुछ मुख्य अंतर है, लेकिन इन दोनों से मिलने से इस क्षेत्र में वेदिका की आकृति निर्मित होती है। वेदिका की आकृति क्या होती है, आइए इसे समझाते थे। देखिए पानी क्या करता है, दो काम करता है। पानी जब बहता है तो वो अपने पास आने वाले क्षेत्र को या तो बहा लेता है, या तो उसको मोड़ देता है, या तो उसको काट देता है। देखिए अगर उसके पास कोई नरम क्षेत्र आया तो उसको क्या करेगा, काट देगा, लेकिन अगर नरम नहीं आया, हार्ड आ गया, तो उसको नहीं काट पाएगा। तो इसीलिए जब नदियां बहती है तो उसके पास जो नरम वाला क्षेत्र है उसको ज़्यादा काटता है, जो हार्ड वाला उसको क्या करता है, कम काटता है। तो इस तरह से ये इस तरह का क्षेत्र निर्माण करता है। हम लोग देखते हैं नदी इस तरह से, पहले कम गहरा मिलेगा, फिर और आगे अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, लेकिन जैसे आप उस किनारे बन जाइएगा तो गहराई क्या होता चला जाएगा, कम होता चलाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो अधिक कठोर है, इसलिए उसको नहीं काट पाया, जबकि नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पानी हमेशा बह रहा है, और यहाँ पर नरम मिट्टी मिल गया, इसलिए इसको क्या कर रहा है, काट देता है। और इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, वेदिका आकृति कहते हैं। तो ये था मुख्य भांगर और खादर में अंतर, और इसके पहले हम लोग तराई और भाबर को पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर उत्तरी मैदान का पूरा क्षेत्र हम लोग क्लियरली पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग उत्तरी मैदान को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी मैदान किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि हिमालय के गिरिपाद में, हिमालय के दक्षिणी दक्षिण में, हिमालय उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में गिरिपाद में फैला 700,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं, जिसकी लंबाई 2,400 किलोमीटर है और पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ाई 320 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में चौड़ाई इसकी 2,400 किलोमीटर है। हमने आपको बताया कि इस उत्तरी मैदान को तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा जो है वो गंगा का मैदान है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये नदियों के आधार पर था, जैसे पंजाब के मैदान सिंधु नदी तंत्र द्वारा बनाया गया था, गंगा का मैदान गंगा नदी तंत्र द्वारा बनाया गया था, और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा बनाया गया था। इसमें इनकी सहायक नदियां भी शामिल थी। साथ ही साथ हम बताए थे कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर हम इसे अलग अलग भाग में बांट सकते हैं कि उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पहला जो बोले थे वो भाबर था, दूसरा था तराई। भाबर और तराई में मुख्य अंतर क्या था, ये गुटिका निक्षेप से बना हुआ था, यानी कि इसमें बड़े बड़े कंकरों की संख्या अधिक थी और इसलिए नदियां इसमें विलुप्त हो जाती थी। दूसरा था तराई क्षेत्र, जहां पर नदियां निकलती थी और ये दलदली क्षेत्र का निर्माण करती थी। और फिर अगला था भांगर और दूसरा था खादर। भांगर और खादर में सबसे मुख्य अंतर क्या था कि भांगर जो था वो चूनेदार निक्षेप था, जिसे सामान्य भाषा में कंकड़ कहा जाता था, और खादर महीन कण का एक क्षेत्र था। इन दोनों में से खादर जो था वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था और ये नई मृदा था, जबकि भांगर क्या था, पुरानी मृदा था। तो इस तरह से हमने उत्तरी मैदान को पढ़ लिया और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विषय में पढ़ लिया, इसके अलग अलग शब्दों के विषय में पढ़ लिए। इसमें अगर कोई शब्द छूट गया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आने वाली वीडियो जरूर बताऊंगा। अगर आपको नदी के विषय में जरा सा भी डाउट है तो उसको बिल्कुल ख्याल से हटा दीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 जब पढ़ाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ नदी से जुड़ा हुआ बताएंगे, जैसे कि नदीय द्वीप क्या होता है, वितरिकाएँ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको नदी वाले चैप्टर में पढ़ा देंगे। तो ये था इस वीडियो का अंत, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।